हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन वन टू रित स्वागत है आप सभी का तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकली है उनके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आठ मार्च को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ऑल द जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है आपकी बारह मार्च से आ, लास्ट डेट रहेगी आपकी इलेवंथ ऑफ अप्रैल ग्यारह अप्रैल तक आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है फॉर द डायरेक्टिव डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बेसिस फॉर द फॉलोइंग पोस्ट अब पोस्ट आपकी ग्रुप ए गु लेवल की पोस्ट है बी की हैं सी डी सारी लेवल्स की निकली हैं तो एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है और आपकी कौन सी पोस्ट है सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है आपकी पे लेवल टेन मिलेगा असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और अकेडमिक्स दोनों में जिसमें मैक्सिमम एज जो है आपकी थर्टी फाइव ईयर्स रहेगी एंड थर्टी ईयर्स फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी है आप स्किल एजुकेशन में जिसकी मैक्सिमम एज है थर्टी ईयर्स Uh, फिर है ट्रेनिंग में भी असिस्टेंट सेक्रेटरी है जिसकी एज थर्टी इयर्स और अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसकी एज रहेगी थर्टी फाइव ईयर्स ऑल दो इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं डिफरेंट पोस्ट जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो सारा अभी डिस्क्राइब किया हुआ है पोस्ट कोड यहाँ से देख सकते हैं आपका वन टू तो, थ्री फोर फाइव पब्लिक ट्वेंटी ये सारी हैं आपकी ग्रुप ए के लिए अब आपकी ग्रुप बी के लिए में निकली है जूनियर इंजीनियर जिसका पे लेवल सिक्स रहेगा और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसका पे लेवल सिक्स रहेगा एज लिमिट की बात करें तो थर्टी टू ईयर्स फॉर जूनियर इंजीनियरिंग एंड ट्रांसलेटर की थर्टी ईयर्स फिर ग्रुप सी में आपकी निकली है अकाउंटेंट जिसका पे लेवल फोर रहेगा थर्टी ईयर्स एज रहेगी और जूनियर अकाउंटेंट पे लेवल टू रहेगा एंड एज लिमिट जो है ट्वेंटी रहेगी फिर नंबर ऑफ पोस्ट आर मार्क्ड अंडर पी डब्ल्यू बी डी कैटेगरीज आर एज अंडर सबसे पहले है असिस्टेंट सेक्रेटरी अकेडमिक्स असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग जूनियर इंजीनियरिंग अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट ये सारी किस में निकली हैं ये सारी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई गई हैं पी डब्ल्यू बी डी के अंडर ये इन सब पोस्ट में आपकी ये वैकेंसीज निकली हुई हैं एक एक वैकेंसी है सबके लिए ठीक है उसके बाद ये पूरा डिस्क्राइब किया है सिलेक्टेड कैंडिडेट शेल बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द ऑफिसेज ऑफ द बोर्ड रीजनल ऑफिसेज या सेंटर ऑफ एक्सलेंस आपका जो भी है अजमेर इलाहाबाद भुवनेश्वर भोपाल बेंगलुरु चेन्नई चंडीगढ़ देहरादून गुवाहाटी नोएडा पटना पंचकुला पुणे त्रिवंदपुरम विजयवाड़ा और रायबरेली यहाँ पे आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है कैंडिडेट जो है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपकी एक्सेप्ट की जाएंगी एप्लीकेशन जो मेल से है या पोस्ट से सेंड करोगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बारह मार्च से और लास्ट डेट रहेगी आपकी ग्यारह अप्रैल तक अब असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में अठारह पोस्ट हैं एकेडमिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट वाइज निकली हैं सब में एक एक पोस्ट है हिंदी इंग्लिश फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री एजुकेशन साइकोलॉजी फिजिकल एजुकेशन मैथमेटिक्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जोग्राफी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टेटिस्टिक एक्सेट्रा फिजिकल एजुकेशन में निकली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एआई की दो पोस्ट हैं एग्रीकल्चर की एक फूड एंड न्यूट्रिशन एक बी एफ एस आई एंड मार्केटिंग की दो टूरिज्म में एक ब्यूटी एंड वेलनेस एक और टोटल सारी आठ पोस्ट हैं सोलह so, पोस्ट एकेडमिक्स के लिए थी आठ पोस्ट आपकी स्किल एजुकेशन के लिए हैं फिर ट्रेनिंग में हैं आपकी सबकी दो दो पोस्ट हैं और एजुकेशन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉमर्स आई एंड कंप्यूटर साइंस मल्टी मीडिया एंड मास मीडिया डिजाइन इंग्लिश हिंदी इन सब में निकली है दो दो पोस्ट टोटल आपकी बाईस पोस्ट है अकाउंट ऑफिसर की तीन है जूनियर इंजीनियरिंग के सत्रह हैं ट्रांसलेशन की सात एंड अकाउंटेंट की सात और जूनियर अकाउंटेंट की ट्वेंटी आपकी निकली हुई है पोस्ट जो डेट जो क्रूशियल डेट है लास्ट डेट वो है ग्यारह अप्रैल फॉर द रिसेप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ठीक है तो ग्यारह तक आपको अप्लाई करना है अपने अगर इन सब पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सर्विस मैन शुड हैव द ई डब्ल्यू एस सॉरी हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट जॉब इन सिविल साइड इन ग्रुप सी एन डी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस ऑफ रिजर्वेशन द टू एक सर्विसमैन ऑफ द री इम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन ई एस एम कैटेगरी एंड फॉर फी कंसेशन ठीक है फिर रिजर्वेशन की पूरी डिटेल्स दी गई हैं फोर पर्सन विद बेंच मार्क एबिलिटीज़ कौन कौन इसके अंडर आता है ये सारा पूरा डिस्क्राइब किया गया है एंड आप इसकी ये पूरी पी देख सकते हैं ये पूरी पी जो है मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड कर दूँगी तो वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं देख सकते हैं अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए असेंशियल क्या है बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम योर रिकगनाइज यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी के लिए आपकी होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन रेलिवेंट सब्जेक्ट बी एड डिग्री होनी चाहिए एन ई टी स्लैट होनी चाहिए डिजायरेबल में एम एड एम फिल एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इनोवेशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए फॉर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑल्सो एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बी एड और एन ई टी होनी चाहिए आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में अकाउंट ऑफिसर जो है उसके लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज कोस्ट अकाउंटिंग एंड वन इन द सब्जेक्ट या फिर बैचलर डिग्री हो आपकी फ्रॉम द रिकनाइज यूनिवर्सिटी एंड हैविंग एस ए एस या जे एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय अकाउंट ऑर्ड सर्विसेज फिर commerce, accounts, finance, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो फ्रॉम द रिकगनाइज यूनिवर्सिटी विद इकोनॉमिक्स कॉमर्स अकाउंट्स फाइनेंस बिजनेस स्टडीज़ एंड कोस्ट अकाउंटिंग या फिर एम बी ए आपने कर रखा हो या फिर आई सी डब्ल्यू ए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वो अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है तो ये पूरे डिटेल्स हैं बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर इनकी सारी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इनका अगर सबकी की क्वालिफिकेशन जो हैं डिस्क्राइब की जाती है तो आज, एज एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एस सी एस टी में पाँच साल का ओ बी सी में तीन पी डब्ल्यू बी डी में टेन ईयर्स का पी डब्ल्यू बी डी ओ बी सी है अगर साथ में तो तेरह साल का और पी डब्ल्यू बी डी भी हैं और एस सी एस टी कैटेगरी से तो पंद्रह साल का होगा आपका विमेन कैंडिडेट हैं तो दस साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व ओ बी सी ई डब्ल्यू एस इनके लिए ग्रुप ए में पंद्रह सौ फीस है और ग्रुप बी एंड सी में आठ सौ रुपये है एंड एस सी एस टी पी डब्ल्यू बी डी एक सर्विसमैन विमन रेगुलर सी बी एस सी एम्प्लॉय इनके लिए फीस जो है वो नल है कोई फीस नहीं पे करनी है उनको तो ये था आज की वीडियो में ये पूरी डिटेल्स जो है आपको मेरे व्हाट्सएप आप चैनल पर मिल जाएगी वहाँ से जाके आप देख सकते हैं तो पेपर की भी पूरी ड्यूरेशन दी हुई है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करना शेयर जरूर करना चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वो लेटेस्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना थैंक यू एवरी